फिलहाल दोस्तों इस धरती पर हम सभी लोगों को मिलाकर 7.9 अरब लोग रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और यकीनन ये जनसंख्या आगे जाके भी बढ़ेगी और शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी धरती हमारी जनसंख्या के सामने छोटी पड़ जाएगी। और यही बात सोचते वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या होता अगर हमारी धरती सूरज के आकार जितनी होती। वैसे शायद मजा आता क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जगह होती, पर वेल नहीं, क्योंकि दोस्तों धरती के इतना बड़े होने की वजह से बहुत सारे फायदे भी होंगे तो कई सारे नुकसान भी। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर धरती के सूरज जितना बड़े होने की वजह से क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो सूरज के बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सूरज है उसका डायमीटर 864,400 माइल है और ये हमारी धरती के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। और क्या आपको पता है जो हमारा सूरज है ना उसमें लगभग 13 लाख धरतियां समाई जा सकती हैं और ये हमारे पूरे सौर मंडल का 99.86% है। और ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सूरज है और धरती है उनका आकार, उनकी पोजीशन, उनका वजन, ये सारी चीजों के वजह से ही हमारे सौर मंडल में हमारी धरती पर जीवन संभव हुआ है। और थोड़ी सी भी इन किसी भी फैक्टर में छेड़छाड़ हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे सौर मंडल को। पर वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम ये जरूर सोचेंगे कि क्या होता कि अगर हमारी धरती सूरज के आकार जैसी हो जाती। सो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इससे क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान। अगर हम सबसे पहले फायदे की तरफ देखें तो धरती के इतना बड़ा होने के बाद हम इंसानों के पास बहुत ज्यादा जमीनें होंगी और इसी की वजह से ओवर पॉपुलेटिंग की जो समस्या है वो कई हजार सालों तक के लिए खत्म हो जाएगी। और साथ ही हम पेड़ों को कम काटना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन होगी। और इसके साथ ही जानवरों का जो घर होगा वो तबाह नहीं होगा। पर अगर उसके उल्टी तरफ हम देखें तो धरती के इतना बड़ा होने की वजह से हमारे समुद्र, नदियाँ और झीलों के जो पानी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैलेंगे और इसी की वजह से एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होगी, जिसके वजह से समुद्र का पानी सूखने लगेगा और इसी के वजह से समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जानवर मरने लगेंगे और उनमें से कईयों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। पर इस परेशानी का सामना सिर्फ समुद्र में रहने वाले जीवों को ही नहीं, धरती पर रहने वाले जीवों को भी करना पड़ेगा। जानवर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगेंगे पानी की खोज में और साथ ही खाने के भी। ये समस्या इंसानों को भी नहीं छोड़ेगी, इंसानों के पास भी पानी और खाने की कमी होने लगेगी। और अगर हम ये कल्पना कर लेते हैं कि इंसान पानी और खाने की समस्या को भी ठीक कर लेता है तो धरती के इतने बड़े आकार के होने की वजह से जो हमारा सौर मंडल है उसमें बहुत बड़ा डिस्टर्ब क्रिएट होगा। धरती का इतना ज्यादा वजन होने की वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा और पहले की धरती के मुकाबले इस धरती का गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना ज्यादा हो चुका होगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और ऐसा होने की वजह से जो हमारे बाकी ग्रह और सूरज है वो धरती की वजह से अनस्टेबल हो जाएंगे और उसके तरफ घिसते चले जाएंगे, जिसके वजह से सौर मंडल में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। और अगर हम मान भी लें कि इस तबाही से हमारा सौर मंडल बच जाएगा और वापस स्टेबल भी हो जाए तो जो धरती पर पहले जैसा जीवन था वो वापस संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। इसी की वजह से हमारा वेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर आप पहले की धरती पर 110 पाउंड के थे तो इस नई धरती पर आप 3100 पाउंड के हो चुके होंगे और इतने ज्यादा वजन के साथ आप इस धरती पर खड़े भी नहीं हो सकेंगे। दोस्तों इस नई धरती पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से हमारी उम्र धीरे बड़ा करेगी और हम पहले से कई गुना ज्यादा जिया करेंगे। पर दोस्तों ये जीवन हमारे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इस नए जीवन में हमें बहुत सारी परेशानियां और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेहतर है कि हमारी धरती जैसी है वैसी ही सही है, क्योंकि वो कहते हैं ना जो हमारे पास होता है वही सबसे अच्छा होता है और जैसा हमारे पास है वो सबसे अच्छा ही है हमारे पास। वैसे दोस्तों चिंता मत करिएगा क्योंकि ये बस एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन थी जिसे हमने इमेजिन किया था। वैसा ऐसा कभी भी होने नहीं वाला कि हमारी धरती सूरज के आकार जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में।